हमारे साथ है टीएमसी के महुआ मोइत्रा। जिस तरह से आप लोग नारे लगा रही थी, हाय 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 मोदी सरकार। हाँ, ये तो नारा देखिए आप कल देखिए, आपने कल मुझे पूछा था कि फाइनेंस मिनिस्टर की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन लोग चर्चा नहीं करा रहे। कल फाइनेंस मिनिस्टर आ गई, आके क्या की, ना जीएसटी पे चर्चा की, ना उन्होंने प्राइस राइज पे कुछ बोला, उन्होंने सीधा मिसेस गांधी पर अटैक कर दिया। तो जो उनका काम है वो तो करती नहीं है, और ये सरकार का जो काम है जो सदन में चर्चा करना, जीएसटी और प्राइस राइज, जो ये सब बर्निंग मुद्दे हैं, इनके ऊपर चर्चा नहीं करते। और हम यहाँ पे बैठे हुए अभी धरना दे रहे हमारे सस्पेंडेड सांसद। लेकिन उनका ये कहना था कि सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी को जिस तरह से लहजा के इस्तेमाल किया, बहुत एग्रेसिव लैंग्वेज था। अच्छा, मैं वहाँ पे थी। इनका झूठ, इनका जो थ्योरी है ना कि 10 बार एक झूठ को बोले तो वो सच हो जाता है। कल हम वहाँ पे सेल्फ हम विटनेस थे, सुप्रिया सुले हम, अपरूपा पोद्दार हम लोग थे, और मिसेस गांधी कुछ नहीं की, वो एकदम चुपचाप जाके रमा देवी के साथ बात कर रही थी, और ऊपर से सारे वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में वुल्फ के तरह सारे वो उनके ऊपर टूट पड़े, और हम लोग ने जाके उनको निकाला। सो मिसेस गांधी जो भी कहे वो बहुत ही डिग्निफाइड लेडी है, वो जाके एक सीनियर मेंबर से 1-to-1 बात कर रही थी उसके ऊपर, वो क्या झूठ है वो हम लोग सब पता है, मीडिया भी वहाँ पे ऊपर से देख रहा था। 75 साल की जो महिला जो थी, तबीयत खराब है, और जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे थे इसमें, वो निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि बहुत एक एग्रेसिव। निर्मला सीतारमण एक तो राज्यसभा की मेंबर है, कल वो थी नहीं, ठीक है, वो थी नहीं, जो प्रेजेंट नहीं थी वो हाउस की मेंबर नहीं है, वो आके कब से एक्सपर्ट बनी कि कल हाउस में क्या हुआ जब हम लोग वहाँ प्रेजेंट थे। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थी महुआ मोइत्रा, जिनका ये कहना है कि जो सत्ता पक्ष के जो भी दावे किए जा रहे हैं सोनिया गांधी को लेकर वो गलत है।